दोस्तों आज मैं आपके साथ सीपीएम मार्केटिंग का एक बेसिक मेथड शेयर करने वाला हूं, जिसको बहुत से प्रो सीपीएम मार्केटर्स काफी लंबे समय से अप्लाई कर रहे हैं और इसके माध्यम से वो पर डे के 100 से लेकर $200 तक की अर्निंग को कर रहे हैं। एंड दोस्तों इस मेथड को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है और इसके कोर पॉइंट्स को आपको अपने दिमाग के अंदर बैठा लेना है। अगर आप इसके कोर पॉइंट्स को अपने दिमाग के अंदर बैठाते हो और इस स्ट्रेटजी को अगर आप डेली बेसिस के ऊपर अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपकी बहुत सारी लीड्स कन्वर्ट होंगी और आप भी सीपीएम मार्केटिंग की मदद से अपना पहला डॉलर अर्न कर पाओगे। तो गाइस अगर आपको इस मेथड को पूरा समझना है तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, एक भी पार्ट को आपको मिस नहीं करना। दोस्तों इस मेथड के लिए सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम के ऊपर आना है और इंस्टाग्राम के ऊपर आने के बाद आपको सिंपली मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड अपना एक पेज क्रिएट करना है। यू कैन सी यहाँ पर मैंने अपना एक डेमो पेज ओपन कर रखा है, आप इसी पेज से आइडिया लेकर भी अपना एक पेज यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको इस पेज से आइडिया लेकर ही अपना पेज यहाँ पर क्रिएट करना है, आपको इस पेज को यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट नहीं करना है। अगर आप इस पेज को यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, आपका इंस्टाग्राम पेज कभी भी इंस्टाग्राम के ऊपर रैंक नहीं करेगा और वहां से आपको बिल्कुल भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं मिलेगा। ओके, तो इंस्टाग्राम से अगर आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहते हो तो आपको इस पेज से आइडिया लेकर ही अपना पेज क्रिएट करना है। अब इस प्रकार का पेज आप कैसे क्रिएट कर सकते हो और इस प्रकार के पेज को क्रिएट करने के लिए आपको किन किन बातों के ऊपर फोकस करना है उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। तो गाइस इस प्रकार के पेज को क्रिएट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है प्रोफाइल। एंड गाइस आपको इसी टाइप से अपनी प्रोफाइल को बनाना है जिसके अंदर एक मैन या वुमेन होनी चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर वुमेन का यूज किया है, यहाँ पर आप मैन का भी यूज कर सकते हो। और मैन के हाथ में पैसा या फिर डॉलर होना चाहिए या फिर कुछ भी यहाँ पर ऐसा होना चाहिए जो मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड। अगर आप इस प्रकार का पेज यहां पर यूज करते हो जिसके अंदर आपका यहां पर मेक मनी ऑनलाइन का एलिमेंट भी है, साथ में यहां पर आपका ह्यूमन भी है, तो इससे आपके पेज की यहां पर अथॉरिटी बढ़ती है। क्योंकि जितने भी हमारे यूजर होते हैं या फिर आप हुए या फिर मैं हुआ, जब भी किसी पेज के ऊपर जाते हैं अगर उस पेज के ऊपर कोई भी ह्यूमन एलिमेंट होता है तो वहां पर हमारा ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है। तो अगर आपको अपने पेज की अथॉरिटी बढ़ानी है और अपने पेज का ट्रस्ट लेवल अगर आपको यहां पर बढ़ाना है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको यहां पर एक ह्यूमन एलिमेंट का यूज करना पड़ेगा। और ह्यूमन एलिमेंट के साथ साथ आपको यहां पर अपनी नीश के अकॉर्डिंग यहां पर डॉलर्स हो गया, पैसे हो गए, जो भी चीज होगी उसको भी आपको यहां पर ऐड करना पड़ेगा ताकि आपकी यहां पर नीश भी जस्टिफाई हो जाए, साथ में आपके पेज का यहां पर ट्रस्ट लेवल भी बढ़ जाए। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहां पर आपको अपनी प्रोफाइल फोटो बनानी है जो काफी ज्यादा आपके पेज की अथॉरिटी बढ़ाने में हेल्प करेगी। ठीक है, प्रोफाइल फोटो बनाने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप यहां पर आएगा यूजर नेम। एंड गाइस यूजर नेम के अंदर आपको अपने मेन कीवर्ड को जरूर यूज करना है, जैसे कि मैंने यहां पर यूज किया है मेक मनी ऑनलाइन, इसी प्रकार के कीवर्ड को आपको यहां पर जरूर यूज करना है। अगर आप यहां पर अपने मेन कीवर्ड को मिस कर देते हैं तो गाइस आपकी प्रोफाइल कभी भी इंस्टाग्राम के ऊपर रैंक नहीं करती है। तो आपको कोशिश करनी कि आप अपने मेन जो आपका मेन यूजर नेम है उसके अंदर आप मेक मनी ऑनलाइन को जरूर से जरूर रखें, चाहे आप यहां पर मेक मनी ऑनलाइन 1-2 रखो, चाहे आप यहां पर मेक मनी ऑनलाइन 1-3 रखो, जो भी आप रखो, परंतु आपका यूजर नेम के अंदर मेक मनी ऑनलाइन जरूर होना चाहिए ताकि कोई भी बंदा अगर सर्च के अंदर मेक मनी ऑनलाइन को सर्च करे तो उसके सामने आपकी प्रोफाइल जाए, इससे आपकी प्रोफाइल के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है। तो अगर आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहते हैं तो उस केस में आपको अपने यूजर नेम के अंदर मेक मनी ऑनलाइन के कीवर्ड को जरूर से जरूर ऑप्टिमाइज करना है। तीसरा पॉइंट हमारे पास यहां पर आता है डिस्क्रिप्शन। एंड गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप डिस्क्रिप्शन को यहां पर नेगलेक्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल भी बेनिफिट यहां पर नहीं मिलने वाला है। जैसे कि मैं आपको यहां पर एग्जांपल दिखाऊं, सपोज करो आपकी कोई भी पोस्ट यहां पर रैंक कर गई है और पोस्ट का रैंक होने के बाद कोई बंदा आपकी प्रोफाइल के ऊपर आया, ठीक है, मान लो आपकी पोस्ट रैंक हुई और उसके थ्रू कोई बंदा आपके प्रोफाइल के ऊपर आया, जैसे बंदा आपके प्रोफाइल के ऊपर आएगा तो सबसे पहले वो क्या देखेगा, आपके यहां पर प्रोफाइल फोटो को देखेगा और प्रोफाइल फोटो देखने के बाद आपके यूजर नेम को देखेगा और यूजर नेम देखने के बाद वो क्या देखेगा, आपके डिस्क्रिप्शन को। परंतु आपका डिस्क्रिप्शन यहां पर अच्छे से ऑप्टिमाइज है ही नहीं, आपने यहां पर कचरा बना रखा डिस्क्रिप्शन की जगह, तो बंदा क्या करेगा, यहां से आया और यहां पर आने के बाद वापस चला जाएगा। ठीक है, यहां से आने के बाद वापस चला जाएगा। अगर आप चाहते हो बंदा यहां से आपके लिंक्स के ऊपर जाए तो उस केस में आपको अपने डिस्क्रिप्शन को बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है, आपको अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर इमोजीज का यूज करना है, आपको अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भारी भारी वर्ड्स का यूज करना है ताकि बंदा आपके डिस्क्रिप्शन से यहां पर क्या हो जाए, अच्छे से यहां पर कन्विंस हो जाए, आपके डिस्क्रिप्शन को देखकर वो अट्रैक्ट हो जाए और अट्रैक्ट होने के बाद वो 101% आपके एफर्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर दे या फिर आपके सी पे लिंक के ऊपर क्लिक कर दे या फिर आपके लैंडिंग पेज के लिंक के ऊपर क्लिक कर दे। तो गाइस अब आपको समझ में आ चुका होगा, अगर आप इंस्टाग्राम एफर्ट मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपके जितने भी क्लिक्स यहां पर नहीं आ रहे तो उसका मेन रीजन क्या होता है, आपका डिस्क्रिप्शन यहां पर अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं होता है। जब तक आपका डिस्क्रिप्शन यहां पर अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं होगा तब तक यहां पर आपके क्लिक्स नहीं बढ़ेंगे। अगर आप यहां पर अपने क्लिक्स को बढ़ाना चाहते हो तो उस केस में आपको अपने डिस्क्रिप्शन को अच्छे से अच्छा ऑप्टिमाइज करना है
ताकि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लिक्स आपके एफिलिएट लिंक्स के ऊपर या फिर लैंडिंग पेज के ऊपर आए। लैंडिंग पेज के लिंक को लगा दिया है। एंड दोस्तों इस वीडियो के अंदर लैंडिंग पेज का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। लैंडिंग पेज के अंदर ही हमने अपनी कोर स्ट्रेटेजी को बिल्ड किया है, जिसके माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को अपने सीपीओ ऑफर्स के ऊपर लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने लैंडिंग पेज को ओपन कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने किस प्रकार का लैंडिंग पेज यहाँ पर बनाया है और किस टाइप की स्ट्रेटेजी को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो सबसे पहले मैं अपने लैंडिंग पेज के लिंक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने हमारा लैंडिंग पेज आ जाता है। एंड गाइस, ये लैंडिंग पेज दिखने में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिंपल नजर आ रहा है, परंतु यहाँ पर हमने एक फनल को क्रिएट किया है, जिसके माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को अपने ऑफर्स के ऊपर लेके आ रहे हैं। अब फनल कैसे क्रिएट किया है उसको मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, फिर आप किस प्रकार से इस फनल को प्रैक्टिकली बना सकते हैं उसकी भी स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आपको दे दूंगा। तो गाइस, सबसे पहले हमने यहाँ पर अपनी एक एक्शन लाइन लिखी है, जिसके अंदर हमने लिखा है अगर आप अपने पहले $1,000 अर्न करना चाहते हो तो उस केस में आपको यहाँ पर कुछ टास्क को कंप्लीट करना होगा। जैसे टास्क नंबर वन हमने यहाँ पर क्या दिया है, टास्क नंबर वन हमने यहाँ पर लिखी है आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना होगा। टास्क नंबर टू हमने यहाँ पर क्या लिखा है, आपको हमारी एक पोस्ट के ऊपर लाइक और कमेंट करना होगा। जैसे आप इन दोनों टास्क को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं तो आप हमारे गिव अवे कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे बंदा इन दोनों टास्क को यहाँ पर कंप्लीट करता है और इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता है तो सीधे हमारे ब्रिज पेज के ऊपर आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक सिंपल सा ब्रिज पेज क्रिएट कर रखा है। ब्रिज पेज के ऊपर हमने यहाँ पर एक इमेज को लगाया और यहाँ पर हमने लगा दिया पार्टिसिपेट हियर। जैसे ही बंदा इसके ऊपर क्लिक करता है तो सीधा हमारे सीपीओ ऑफर के ऊपर चला जाता है और वहां पर वो सीपीओ ऑफर को कंप्लीट कर देता है। वो सीपीओ ऑफर यहाँ पर इसलिए कंप्लीट करता है क्योंकि उसको किसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, गिव अवे के अंदर। और गिव अवे का यही एम होता है कि आपको कुछ ना कुछ टास्क को कंप्लीट करना होगा, तभी आप गिव अवे के लिए एलिजिबल होते हैं। तो गाइस, इस प्रकार से हमने क्या किया, पूरा का पूरा फनल यहाँ पर बिल्ड किया है, जिसके माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को अपने ऑफर को कंप्लीट करवाने के लिए लेके आ रहे हैं। अब इस टाइप का फनल किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हो उसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आपको देने वाला हूं। आपको सिंपली इस वेबसाइट के ऊपर आना है, जिसका नाम है लिंक ट्री। और लिंक ट्री के ऊपर आने के बाद सिंपली आपको इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे आप इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर अपना इस प्रकार का लैंडिंग पेज कैसे बना सकते हैं उसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आपको देने वाला हूं। तो इस टाइप का लैंडिंग पेज बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपीयरेंस इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यह वाला पेज आता है और यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल फोटो लगानी है, जो कि आपके यहाँ पर अपीयर होगी। एंड गाइस, यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर होती है सेम पिक्चर को ही आपको यहाँ पर लगाना है, ताकि यूजर का आपके इस लैंडिंग पेज के ऊपर ट्रस्ट बना रहे। तो ट्रस्ट लेवल बनाने के लिए आपको सिंपली जो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर है सेम पिक्चर को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। देन प्रोफाइल टाइटल के अंदर आपको लिख देना है मेक मनी ऑनलाइन। देन उसके बाद बायो के अंदर आपको यह वाली लाइन लिख देनी है। इतना काम करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पर आपको थीम सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो सिंपली यहाँ से आप किसी भी थीम को सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी थीम आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका बैकग्राउंड यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने ब्लैक ब्लैक वाली थीम को सिलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर मेरी थीम ब्लैक नजर आ रही है। अगर आप यहाँ पर यह वाली थीम सिलेक्ट करते हो तो इसी के अनुसार आपकी थीम यहाँ पर चेंज हो जाएगी। इतना काम करने के बाद आपको थोड़ा सा ऊपर आना है और यहाँ पर आपको लिंक्स इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यह वाला पेज आता है। अब इसके अंदर आपको इस प्रकार से लिंक्स कैसे लगाने हैं उसका तरीका मैं आपको बताता हूं। तो गाइस, इस प्रकार से लिंक्स लगाने के लिए सिंपली आपको ऐड न्यू लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड न्यू लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस आता है। टाइटल के अंदर आपको यह वाली लाइन लिख देनी है, जिसके अंदर लिखा हुआ है स्टेप वन फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट। तो इस लाइन को आपको यहाँ पर लिखना है और यूआरएल के अंदर आपको अपने इंस्टाग्राम आईडी के लिंक को लगा देना है। देन अगेन आपको यहाँ पर एड न्यू लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको यह वाली लाइन लिख देनी है, जिसके अंदर लिखा हुआ है स्टेप टू लाइक एंड कमेंट ऑन दिस पेज। और यहाँ पर आपको अपने किसी एक पेज के लिंक को यहाँ पर लगाना है। अब आप अपने पेज के लिंक को कैसे निकालोगे उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, पेज के लिंक को निकालने के लिए सिंपली आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर आना है और यहाँ पर किसी भी एक पोस्ट को ओपन कर लेना है जिसका लिंक आप प्राप्त करना चाहते हो। और इतना करने के बाद सिंपली आपको थ्री डॉट इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कॉपी लिंक का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। सिंपली आपको कॉपी लिंक के ऊपर क्लिक करना है और इसी लिंक को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या कर दोगे, आप यहाँ पर अपनी पोस्ट की लिंक को भी लगा दोगे। देन अगेन आपको एड न्यू लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने एक और इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा।
और यहाँ पर आपको सिंपली यह वाला लाइन लिख देनी है जिसके अंदर हमने क्या लिखा है, यू आर एलिजिबल फॉर अवर $1000 गिव अवे कॉन्टेस्ट। तो इस प्रकार से लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है और यहाँ पर आपको अपने ब्रिज पेज का लिंक लगा देना। ब्रिज पेज कैसे क्रिएट करना है उसके स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आपको देता हूँ। दोस्तों ब्रिज पेज को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऑफर को सिलेक्ट करना होगा और ऑफर को सिलेक्ट करने के लिए आपको सीपी ग्रिप या सीपी लीड के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। जैसे कि मैंने सीपी ग्रिप के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है, मैंने अपने अकाउंट के अंदर लॉग इन कर लिया। लॉग इन करने के बाद सिंपली आपको ऑफर टूल्स इसके ऊपर क्लिक करना है। ऑफर टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको माई ऑफर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप माई ऑफर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यह वाला पेज आता है जहां पर आपको बहुत सारे ऑफर्स नजर आते हैं, परंतु ऑफर्स को सेलेक्ट करने से पहले आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग्स को भी करना है ताकि आपके पास रिलेवेंट ऑफर्स यहाँ पर आ सके। तो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है कंट्री का, तो कंट्री के अंदर आपको यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद कैटेगरी के अंदर आपको ईमेल एंड जिप सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने रिलेवेंट ऑफर्स आ जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने इतने सारे स्वीपस्टेक्स और गिव अवे के ऑफर्स आ चुके हैं। सिंपली आपको यहाँ पर किसी भी एक ऑफर को चूज कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर इस वाले ऑफर को चूज कर लेता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ऑफर की सारी डिटेल आ जाती है, मीन्स इस ऑफर को मुझे कहाँ पर प्रमोट करना है, इस ऑफर को मुझे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर प्रमोट करना है। अगर मैं इस ऑफर को यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर प्रमोट करता हूँ तो उस केस में मुझे यहाँ पर $1.37 एज ए कमीशन के तौर पर मिलता है। ओके, और यहाँ पर मिलता है आपको आपका एफर्ट लिंक जिसको आपको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से इस इमेज को भी डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से इस इमेज को आपको सेव कर लेना है। इतना काम करने के बाद आपको सिंपली गूगल डॉक्स के ऊपर आना है, और गूगल डॉक्स के ऊपर आने के बाद आपको अपना ब्रिज पेज क्रिएट करना है। अब ब्रिज पेज कैसे क्रिएट करोगे उसको मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस ब्रिज पेज क्रिएट करने के लिए सिंपली आपने यहाँ से जो इमेज को डाउनलोड किया था उसी इमेज को आपको यहाँ पर क्या कर देना है, अपलोड कर देना। अपलोड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर इमेज का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, यहाँ से आपको इस इमेज को यहाँ पर अपलोड कर लेना। अपलोड करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर लिख देना पार्टिसिपेट हियर, और यहीं पर ही आपको अपने सीपी ऑफर के लिंक को लगाना है। लिंक को लगाने के लिए सिंपली आपको इसको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके लिंक के ऑप्शन से आप यहाँ पर अपने सीपी ऑफर के लिंक को लगा। इतना काम करने के बाद आपको शेयर के ऊपर क्लिक करना है। जैसा आप शेयर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यह वाला पेज आता है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कॉपी लिंक का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने ब्रिज पेज के लिंक को कॉपी कर लेना है। जैसे आप ब्रिज पेज के लिंक को कॉपी कर लेते हैं देन अगेन आपको लिंक ट्री के ऊपर आना है और यहाँ पर आपको अपने ब्रिज पेज के लिंक को लगा देना है। जैसे आप यहाँ पर अपने ब्रिज पेज के लिंक को लगाते हैं तो आपका लैंडिंग पेज यहाँ पर पूरी तरीके से क्रिएट हो जाता है। जैसे आपका लैंडिंग पेज यहाँ पर क्रिएट हो जाता है तो आपको इस वाली वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पर जनरेट करना है। तो आप लिंक ट्री का लिंक यहाँ पर कैसे जनरेट कर सकते हो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इसके लिंक को जनरेट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको अपने लिंक को क्रिएट कर लेना है, मीन्स यहाँ पर आपको अपने यूआरएल को क्रिएट करना है। और यूआरएल क्रिएट करने के बाद आपको सिंपली शेयर इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका यूआरएल बन जाता है और इसके ऊपर आपको कॉपी का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, सिंपली आपको कॉपी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने लैंडिंग पेज के यूआरएल को कॉपी कर लेना। और कॉपी करके सिंपली आपको आना है अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, और इंस्टाग्राम के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर अपने लैंडिंग पेज के लिंक को लगा देना है। तो गाइस इस प्रकार से क्या कर सकते हो, इस प्रकार से आप अपनी पूरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा हमें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर टारगेटेड ट्रैफिक को लेके आना है। एंड गाइस टारगेटेड ट्रैफिक को लाने के लिए आपको अपने अकाउंट के ऊपर रेगुलर बेसिस पे पोस्ट और रील को अपलोड करना है, तभी आप अपने अकाउंट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक को ला सकते हो। एंड गाइस यहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब भी आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर पोस्ट और रील को अपलोड करें तो आपको डेली बेसिस के ऊपर 3 से 4 पोस्ट या रील को अपलोड करना है, तभी आपको यहां से फास्ट रिजल्ट मिल सकते हैं। एंड गाइस पोस्ट एंड रील को अपलोड करते समय भी आपको 3 बातों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना है। तो पॉइंट नंबर 1 आता है हैशटैग। जब भी आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर पोस्ट को क्रिएट करते हैं या फिर रील को क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर आपको रिलेवेंट हैशटैग का यूज करना है। रिलेवेंट हैशटैग का अर्थ है जैसे कि मेरी यहाँ पर नीच है मेक मनी ऑनलाइन, तो आपको मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड ही अपने हैशटैग को फाइंड करना है और आपके हैशटैग्स यहाँ पर लो कॉम्पिटिटिव होने चाहिए। साथ में अगर आपके हैशटैग यहाँ पर वायरल होते हैं तो आपकी पोस्ट को बहुत ही ज्यादा रीच मिलती है और आपको बहुत सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है। एंड गाइस अगर आपको हैशटैग फाइंड करना नहीं आता है तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। सिंपली आपको मेरी इंस्टाग्राम एफर्ट मार्केटिंग की प्लेलिस्ट के अंदर जाना है, वहां पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को देख लेना है, आपको पता लग जाएगा कि आप किस प्रकार से रिलेवेंट हैशटैग को फाइंड कर सकते हैं, कैसे आप एक लो कॉम्पिटिटिव हैशटैग को फाइंड कर सकते हैं। हैशटैग लगाने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा लोकेशन।
जब भी आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर पोस्ट करते हैं और पोस्ट को पब्लिश करने से पहले आपको एक लोकेशन का ऑप्शन भी मिलता है। लोकेशन के अंदर आपको अपनी टारगेटेड कंट्री को सिलेक्ट करना है। अगर आप लोकेशन के अंदर अपनी टारगेटेड कंट्री को सिलेक्ट करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली यही चांस होता है कि आपकी पोस्ट आपकी टारगेटेड कंट्री तक रीच करती है और वहां से आपको टारगेटेड ट्रैफिक मिलता है। तो आपको अपनी पोस्ट के अंदर लोकेशन में टारगेटेड कंट्री को सिलेक्ट करना है ताकि आपकी पोस्ट रिलेवेंट कंट्री के अंदर रैंक करनी स्टार्ट कर। दोस्तों पॉइंट नंबर 3 आता है टाइमिंग। टाइमिंग का अर्थ यह है आपको अपनी टारगेटेड कंट्री के टाइम जोन को पता करना है और उनके टाइम जोन के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी पोस्ट को पब्लिश करना है। अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर रैंडमली पोस्ट करते हैं, मींस आप इंडिया के टाइम के हिसाब से पोस्ट करते हैं, तो आपकी पोस्ट इंडियन लोगों तक रीच करेगी। जैसे कि मान लो आपने सुबह पोस्ट की है तो वो अमेरिका में रीच नहीं करेगी क्योंकि अमेरिका के अंदर इस समय रात हो रही है तो बंदे सो रहे होंगे, तो आपकी पोस्ट वहां पर रीच नहीं करेगी बल्कि आपकी पोस्ट इंडिया के अंदर रीच करेगी। अगर आप उनके टाइम जोन के अनुसार पोस्ट करते हैं तो उस केस में इंडिया के अंदर रात हो जाएगी और वहां पर हो जाएगा दिन, तो अब आपकी पोस्ट वहां के लोगों तक रीच करेगी। मींस अगर आप रात के 8 बजे के बाद पोस्ट करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि आपकी पोस्ट अमेरिका में रीच कर जाएगी और वहां से आपको टारगेट ट्रैफिक आएगा। तो गाइस जब भी आप अपने अकाउंट के अंदर रील या पोस्ट को अपलोड करते हैं तो आपको अपनी टारगेट कंट्री के टाइम जोन को ध्यान देना है ताकि आपकी पोस्ट के ऊपर टारगेट ट्रैफिक आ सके। तो गाइस अगर आप इन 3 पॉइंट्स को पर फोकस करते हो तो आपके पास डेफिनेटली 70-80% का टारगेट ट्रैफिक आ सकता है और यह सभी चीजें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो एक बार इसको आप अप्लाई करना, फिर आप देखना आपका सारा का सारा ट्रैफिक आपके टारगेट कंट्री से आएगा। तो बात करते हैं यहां पर बोनस टिप की। तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको अपनी नीश के अकॉर्डिंग जितने भी बड़े अकाउंट्स हैं उनको फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करने के बाद आपको उनकी लेटेस्ट पोस्ट को ओपन करना है। जैसा आप उनके लेटेस्ट पोस्ट को ओपन करते हो तो वहां पर आपको लाइक्स और कमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे, तो जितने भी बंदों ने उनको लाइक्स और कमेंट किए हैं सभी के प्रोफाइल को आपको इंडिविजुअली एनालाइज करना है। एनालाइज करते समय आपको 3 बातों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना है। तो पॉइंट नंबर 1 आपको यह ध्यान देना है कि ये अकाउंट रियल है या नहीं है, मीन्स एक जेन्युइन बंदे का अकाउंट होना चाहिए। दूसरा, इस अकाउंट की एक्टिविटी कितनी है, मीन्स ये अकाउंट काफी ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। और तीसरा, ये अकाउंट आपकी टारगेट कंट्री से है या नहीं है। अगर ये तीनों चीज आपकी फॉलो हो जाती है तो उसके बाद आपको उस अकाउंट को वहां पर फॉलो कर लेना है। इसी प्रकार से आपको डेली बेसिस पे 20 अकाउंट को फॉलो करना है। जैसे आप वहां पर बंदों को फॉलो करते हैं तो आपकी फॉलोइंग की लिस्ट यहाँ पर बननी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आपकी फॉलोइंग की लिस्ट यहाँ पर बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपके फॉलोअर्स की लिस्ट यहाँ पर बढ़ेगी। जैसे आपके फॉलोअर्स की लिस्ट यहाँ पर बढ़ेगी तो आपके पास सारे के सारे बंदे टारगेटेड आ जाएंगे। देन उसके बाद आपको इन बंदों को यहाँ पर एंगेज करना है और एंगेज करने के लिए आप पोस्ट, रील और स्टोरी का यूज कर सकते हो। आपको इन बंदों को एंगेज करना है और एंगेज करके इन बंदों को अपने लैंडिंग पेज के ऊपर लेके आना है। जैसे आप इन बंदों को लैंडिंग पेज के ऊपर लेके आओगे तो हमारा फनल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि बंदा 101% सीपीए कन्वर्जन लाके आपको दे देगा। आई होप आपको आज की स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्ट्रैटेजी पसंद आई है तो इस वीडियो के ऊपर कम से कम 1 लाइक तो दे दो क्योंकि आप लाइक नहीं देते हो, और वीडियो को शेयर भी कर दो और साथ में सब्सक्राइब भी कर दो। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जय भारत, जय हिंद।